इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिका नस्तईन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ सामईन, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्मे दीन हासिल करने का काफ़ी अच्छा मौका इनायत फरमाया है। 24 घंटे में अगर हम थोड़ा सा वक्त अल्लाह के दीन को हासिल करने में लगाएंगे तो ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतर बनेगी और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ पर हम सुरखुरू और शादमा और अच्छे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में और हर मकतब फ़िक्र में दीन के फ़रोग़ के लिए और दीन को तकवीत देने के लिए प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जुमा के खिताबात होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं। फिर भी बावजूद इसके एक कमी जो महसूस हो रही है कि हर मकतब फ़िक्र का इंसान उसी मकतब फ़िक्र से वाबिस्ता होता है और बहुत सारे लोग वो भी हैं जो कॉमन हैं, किसी जमात से वो मुंसलिक नहीं हैं, वो दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं। तो हमने ये एक तदबीर कुछ उलमा के मशवरे से हमने ये किया है कि इस हॉल में जो मानतेश नगर बेलगाम शोतित अपार्टमेंट से पीछे है, यहाँ पर प्रोजेक्टर के ज़रिए से भी और हर आने वाले हर मकतब फ़िक्र के इंसान को यहाँ वेलकम किया जाता है, ताकि कुरान हदीस की रोशनी में जो इंसान के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मुतालिक हो, बिज़नेस के मुतालिक हो या और दीगर मैनेजमेंट्स से मुतालिक हो, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों पर और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करें, आपस में तबादले ख्याल करें, तो इससे एक काम करने की तरतीब भी समझ में आती है और इंसान को एक इल्म की फरावानी भी होती है। तो ये सिलसिला हमने ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए 1.5 साल से हमने जारी रखा है। एवरी फ्राइडे 5:30 से 6:30 तक एक घंटे का उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 100 अप्रॉक्स जो है लेडी आती हैं। ऐसी हमने सोचा कि हमारे दोस्तों के लिए यहाँ पर बैठ करके इत्मीनान से बात समझने के लिए, दीन को हासिल करने के लिए सैटरडे के लिए एक प्रोग्राम 3 हफ्ते से हम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी उसमें मिल रही है। लोग खुश भी हैं कि इस तरीके का बेलगाम शहर में पहली मर्तबा ऐसा सेशन ओपन किया गया है जिसमें हम खुल के बैठ सकते हैं, चेयर्स का इंतज़ाम के साथ में बोर्ड पर कुछ बातें समझने की होती हैं वो समझाई जाती हैं। तो बिजनेसमैन के लिए जिनके पास वक्त नहीं है, हमने 7:15 से 8 बजे तक 1 घंटे का हमने सेशन का टाइम मुतय्यन किया है जिसमें हर इंसान यहाँ आ सकता है और अपने दीन के इल्म को भी हासिल कर सकता है। कुछ डिस्कस हुआ है, कुछ मसाइल पर गुफ्तगू है, वो भी खुल करके यहाँ कर सकता है। तो मैं अपील करता हूँ शहर बेलगाम के सभी लोगों से कि थोड़ी देर हमारे साथ बैठें और इल्म दीन हासिल करें और जो कुछ भी अपने डाउट्स हैं दीन के मुतालिक हैं, मसाइल के मुतालिक हैं, उसको क्लियर करें और इस बैठने से इंशाल्लाह आगे चल करके कुछ काम करने के जज्बात हमारे दरमियान आते हैं। तो हर शनिचर के हर सैटरडे 7 to 8 o'clock हमारे यहाँ का टाइम है, मगरिब की नमाज़ का भी यहाँ इंतज़ाम है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस्लाहे मुआशरा के नाम से जो है बहुत सारे प्रोग्रामात होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें इस्लाहे मुआशरा के ज़रिए से जो मुआशरे में बदलाव लाने की जो ज़रूरत है, वो चीज़ बहुत ही ना के बराबर जो है मुआशरे में होती है। क्योंकि ये कभी कभार एक मरतबा प्रोग्राम होते हैं, फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वो कैफियत हमारे अंदर बाकी रहती है, फिर माहौल के एतबार से वो चीज़ हमारे अंदर से क्या है चली जाती है, वो फ़िक्र चली जाती है। लेकिन आज मैं इस मजलिस में जो आया मुफ्ती तुफैल साहब के, माशाल्लाह मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम दीन से इतने दूर हैं कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आज तक हम समझ रहे थे कि दीन हमारे अंदर बहुत है, लेकिन मुझे आने के बाद आज पता चला कि मैं दीन से काफ़ी दूर हूँ।
तो न जाने हम कितने ऐसे माशरे में हमारे जो लोग हैं जो ख़ुद को जो है हम लोग नमाजी हैं, दाढ़ी जुबा सब कुछ है, लेकिन दीन से बहुत दूर हैं हम लोग, सिर्फ नाम के जो है दीनदार बने हुए हैं। अगर हम ऐसे मजलिस में आएंगे तो हमें हकीकी दीन और कुरान की रोशनी में कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कुरान हमारे लिए क्या सबक देता है, ये हमें समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसी मजलिस में अगर कोई लाखों रुपये फ़ीस लेकर भी सिखाए तो आदमी क्या है, इसके ये आदमी के लिए नफ़ामंद है। लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह काम चल रहा है, अल्लाह इनके जान व माल में खूब बरकत अता फरमाए। और मैं चाहूँगा कि हर बेलगाम शहर के हर गली हर मोहल्ले से यहाँ लोग आए और फैज़याब हो और अपनी तरबियत का अपनी आने वाली ज़िंदगी दुनिया और आखिरवी ज़िंदगी के लिए जो है बेहतरी बनाए अपनी ज़िंदगी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ़्ते से ये जो इस्लाही माशरे के बारे में हज़रत मुफ्ती तुफ़ैल साहब ने जो शुरू किया है, 2 मरतबा हाज़री की सआदत नसीब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ायदा मैंने देखा है कि मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करने का जो अंदाज़ भी है कि सामने वाले जो अपना डॉट है वो क्लियर करते हैं, मुफ्ती साहब जो बेहतरीन अंदाज़ में जवाबात भी दे रहे हैं, और इसी तरह और भी उनके अजाइम हैं जैसे बुखारी का दर्स है, आगे आगे चलते हुए जो है बुखारी का दर्स भी चलेगा, फिर सीरत है, सीरत के मुतालिक भी जो है बहुत सारी बातें आएगी जो भी हमारे, हम तो सीरत जानते हैं बोलते हैं लेकिन हकीकत में सीरत क्या है, सीरत के ज़रिए से हमें क्या बताया जा रहा है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर हमें पता चलेगा। लिहाजा मैं तमाम हजरात से, शहर बेलगाम के तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे मौके का जितना हो सके हम फ़ायदा उठाए, और इस ये जो हमारा मुख्तसर अंदाज में चल रहा है इसको पूरे बेलगाम शहर के एतबार से जो है इसको पूरा करने की जो है हम लोग कोशिश करें, ये मैं सबसे जो है अपील करूँगा। और इसका जो टाइम सनीचर के दिन मगरिब से इशा तक का जो है 7 से 8 तक जो है वक्त रहेगा, तो इसमें और जुमा के दिन जो है लेडीज़ का होगा 5:30 से 6:30 बजे तक का, तो सब मस्तूरात को भी जो है यहाँ पर भेजने की फ़िक्र करें।